इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको सैर करवाएंगे ऐसे मुल्क की जिसके बारे में बाबा लुड्डन शाह गपोड़ी ने कहा था, नेपाल के जंगलों में सुबह मरते हैं, शाम को जिंदा हो जाते हैं। बुलंदोबाला पहाड़ियों के दरमियान घिरे हुए साउथ एशिया के खूबसूरत तरीन मुल्क नेपाल की सैर के साथ साथ आपको बताएंगे नेपाल के बारे में वो दिलचस्प हकायक जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। यकीनन ये तमाम मालूमात आपके लिए नहीं होंगी, तो चलिए आपको सैर करवाते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप इस चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको और भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। नेपाल, जिसका ऑफिशियल नेम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, जिसे नेपाली जबान में संज्ञा लोकतांत्रिक गणतंत्रा नेपाल कहते हैं, जिसके बारे में अंग्रेज कहते हैं मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन हेवन। ये ऐसा खूबसूरत मुल्क है जहाँ की खूबसूरती देखकर इंसान सांस लेना भूल जाता है, और जितना खूबसूरत ये मुल्क है इससे भी ज़्यादा खूबसूरत मोहब्बत करने वाले लोग और इनकी खूबसूरत सकाफत है। हकीकत में ये देश दुनिया की छत है, इस जैसा कोई दूसरा मुल्क नज़र नहीं आता। नेपाल का ये नाम दो अल्फाज नी और पाल से मिलकर बना है। इस सरजमीन पर हुकूमत करने वालों को नीपा कहा जाता था, और एक राय के मुताबिक इसका ये नाम नीपा से लिया गया है। और तिब्बतन जुबान में नी का मतलब होम और पाल का मतलब वूल, यानी वूल का घर, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोगों का ज़रिया माश फार्मिंग था। इस मुल्क का दारुल हकूमत और अजीम तरीन शहर खटमंडू है। इस सिटी की आबादी 15 लाख से जायद है। नेपाल को इंतजामी लिहाज से 7 रियासतों में तकसीम किया जाता है, और इन 7 रियासतों को मजीद आगे 75 अजला में तकसीम किया जाता है। दोरा सुरुवाल इनका कौमी लिबास है। जनूबी एशिया का ये लैंडलॉक कंट्री है जिसे कोई समंदर नहीं लगता। इसकी मुल्की सरहदें इन ममालक के साथ लगती हैं। इसके शुमाल में चीन, मशरक मगरब और जनूब में भारत है, और जनूब मगरब में सिर्फ 27 किलोमीटर सरहद बांग्लादेश के साथ मिलती है। सिलसिला को हमालिया इसके शुमाली और मगरबी हिस्से में से गुजरता है। नेपाल की दफ्तरी जबान नेपाली है, जो मुल्क की 44.6% आबादी की भाषा है। नेपाल में कुल 82 तरह की जुबानें बोली जाती हैं। इसके अलावा 26 मकामी जुबानों को कौमी जुबानें समझा जाता है। नेपाल की 4.5% के करीब आबादी मुसलमान है, और उनकी मादरी जुबान उर्दू है। ये लोग वैसे तो पूरे नेपाल में फैले हैं, ताहम नेपाल गंज का इलाका उर्दू गो आबादी के लिए मशहूर है, क्योंकि यहाँ की आबादी का 28% हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है। मोहतरम नाजरीन, आपको ये शायद याद हो, जून 2001 में एक अलमनाक वाकया हुआ था, जब नेपाल के शाही खानदान के 9 अफराद को एक ही दिन ख़त्म कर दिया गया था, और नेपाली आज तक इस बर्बरियत को भुला नहीं पाए। इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत सदारती पार्लिमानी जमहूरियत है। नेपाल में 2007 से पहले तक बादशाही निज़ाम चलता था, ताहम 2007 के बाद इसको बदल कर पार्लियामेंटरी निज़ाम नाफिज कर दिया गया। मुल्क की मौजूदा सदर भदिया देवी भंडारी है, और मुल्क के वज़ीर आज़म खरदा प्रसाद उली हैं। नेपाल दुनिया के उन ममालिक में से एक है जो अपना योम आज़ादी नहीं मनाते, क्योंकि नेपाल पर आज तक किसी गैर मुल्क ने पूरी तरह कब्ज़ा नहीं किया। यहाँ के लोगों का कहना है, गद्दार होने से बेहतर है अपने मुल्क की खातर कुर्बान हो जाए। जब बरे सगीर पर बरतानिया ने कब्ज़ा किया तो इसमें नेपाल का कुछ हिस्सा भी शामिल था, ताहम बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेपाल को इसका इलाका वापस कर दिया। नेपाल को साउथ एशिया का कदीम तरीन मुल्क होने का भी एजाज़ हासिल है। मोहतरम नाजरीन, ये बात सुनकर आपको अच्छा लगेगा कि नेपाल का फ्लैग दुनिया का वाहिद फ्लैग है जिसकी शेप ट्राई एंगल या रेक्टेंगुलर होने की बजाय दो ऊपर नीचे ट्राई एंगल की शेप है, जो हमालिया की पहाड़ियों को जाहिर करती है, और इसके अंदर बना चांद और सूरज यहाँ मौजूद बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म को जाहिर करता है। नेपाल का नया साल 13 अप्रैल से शुरू होता है, और ये साल इनका 276वां साल चल रहा है।
मुल्क में अगर नस्ली ग्रुपों की बात की जाए तो मुल्क में सबसे बड़ा नस्ली ग्रुप चेतरी यानी खास नस्ल के लोगों की है, जो आबादी का 16.6% है। बहन यानी ब्राह्मण 12.2%, मागर 7.1%, थारू 5.8%, निवार 5%, 4.4% मुसलमान और दीगर कई नस्लों के लोग आबाद हैं। मोहतरम नाजरीन, ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि अगर नेपाल के मैप को क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाकर देखें तो इसका नक्शा पुर्तगाल से मिलता जुलता है। इसका सालाना GDP 89.20 बिलियन डॉलर है और GDP ग्रोथ रेट 7.9% है। यहाँ फीकस आमदनी $2700 है, जो पाकिस्तानी 3,75,700 रुपयों और बांग्लादेशी 2,26,880 टका और इंडियन 1,92,600 रुपयों के बराबर है। नेपाल का अमीर तरीन शख्स CG ग्रुप का मालिक विनोद चौधरी है, जिसकी दौलत की मालियत 1.7 बिलियन डॉलर है। नेपाल में हफ्ते का दिन हॉलीडे का दिन होता है। इस मुल्क के कुदरती वसाइल में आयरन, लकड़ी, हीरे और हाइड्रो पावर शामिल हैं। मुल्क का 16% रकबा काबले काश, 25.4% जंगलात और बाकी पहाड़ी सिलसिले में घिरा हुआ मुल्क है। ये मुल्क $1 बिलियन के करीब अशिया एक्सपोर्ट करता है और $10 बिलियन की अशिया इम्पोर्ट करता है। इसकी मईशत का कुल पहिया सियाह से चलता है। ये मुल्क इंसानी तरक्की के लिहाज से 149वें नंबर पर, कारोबारी आज़ादी में 131वें नंबर पर, टेक्नोलॉजी के लिहाज से 101वें, करप्शन फ्री ममालक में 111वें नंबर पर। दुनिया में मौजूद सबसे छोटे कद का आदमी, जिसका कद 54.6 सेंटीमीटर है, नेपाल में पैदा हुआ। इस मुल्क का कुल रकबा 1,47,181 किलोमीटर यानी 56,827 मुरबा मील है और इसके 3,830 स्क्वायर किलोमीटर पर पानी है और रकबे के एतबार से ये दुनिया के 96वें नंबर पर शुमार होता है। नेपाल में मजाहब की बात करें तो नेपाल में 81.3% हिंदू, 9% बुद्ध, 4.4% मुसलमान और 3% किरंथ, 1.2% ईसाई, 1% के करीब दीगर मजाहब के लोग शामिल हैं। यहाँ की लड़कियाँ 18 साल की उम्र में शादी करती हैं और शादियों में रवायती एशियन शादियों का अक्स नज़र आता है। नेपाल का कौमी खेल मई 2017 तक डंडी बोयो यानी गिल्ली डंडा था, ताहम नेपाल ने 23 मई को इसको बदलकर वॉलीबॉल को कौमी खेल का दर्जा दे दिया। इसके अलावा मुल्क में कैरम भी बड़े शौक से खेली जाती है। नेपाल का कौमी परिंदा हिमालयन मनाल है। मुल्क में 6,000 किस्मों के फूल पाए जाते हैं। दुनिया के 8% परिंदे नेपाल में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे एशिया का अमेज़ोन कहा जाता है। इस मुल्क का हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट है, जो सतह समुंदर से 8,848 मीटर बुलंद है और इसे इस रूए ज़मीन का बुलंद तरीन मकाम होने का भी एजाज़ हासिल है और सियाहों का ख्वाब होता है वो इस पर ट्रैकिंग करें। दुनिया की सबसे ऊंची 10 चोटियों में से 8 नेपाल में वाकई हैं। नेपाल में 5 मौसम पाए जाते हैं, मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मूनसून, मौसम खिजा और मौसम बहार। नेपाल दुनिया के उन ममालिक में से एक है जिसे बंगाल टाइगर और गैंडों का घर माना जाता है। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी मौजूद है। मुल्क में 4 एयरलाइन और 15 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं। मुल्क में कमर्शियल और नॉन कमर्शियल 47 एयरपोर्ट हैं, जिनमें से सिर्फ 11 पर रनवे की सहूलत मौजूद है। मुल्क में सालाना 6,60,370 अफराद बाई एयर सफ़र करते हैं। याद रहे, यहाँ जहाज़ के टिकट काफ़ी महंगे हैं और नेपाल में टूरिज्म ही सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। मुल्क में सिर्फ 53 किलोमीटर रेलवे लाइन मौजूद है। मुल्क में 11,890 किलोमीटर पुख्ता सड़कें भी मौजूद हैं और नेपाल में ऐसे ट्रैक भी मौजूद हैं जिन्हें दुनिया के ख़तरनाक तरीन रास्ते माना जाता है। नेपाल की कुल आबादी जुलाई 2018 के एक अंदाजे के मुताबिक 2,97,17,590 अफराद हैं और पापुलेशन ग्रोथ रेट 1.09% है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 47वां बड़ा आबादी वाला मुल्क है। इसके फी किलोमीटर पर 201 अफराद आबाद हैं। मुल्क में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा है। औसत उम्र 71.3 साल है। रायल चितवान नेशनल पार्क मुल्क का सबसे बड़ा पार्क है, जो 932 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला है और ये यूनेस्को आलमी सकाफती विरसा साइट है। इस मुल्क की करेंसी नेपाली रुपया है, जो पाकिस्तानी 1.22 रुपयों
इंडियन 63 पैसों और 0.74 बांग्लादेशी टका के बराबर है। काठमांडू दुनिया का वाहिद दारुल हुकूमत है जहां 15 किलोमीटर के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट कायम है। ये मुल्क सेहत पर अपने GDP का 5.8% खर्च करता है और मुल्क में 2000 मरीजों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर और 6 बेड दस्तयाब हैं। मुल्क की 91% आबादी को पीने का साफ पानी मुयसर है। करनाली रिवर मुल्क का सबसे बड़ा दरिया है। ये मुल्क तालीम पर अपने GDP का 3.7% खर्च करता है। मुल्क का लिटरेसी रेट 64% है। मशहूर बॉलीवुड अदाकारा मनीषा कुरैला का ताल्लुक भी नेपाल से है। अगर मुल्क की तारीख पर मुख्तसर नज़र दौड़ाई जाए तो काठमांडू से मिलने वाले आसार कदीमा से पता चलता है यहाँ 11,000 साल पहले भी लोग आबाद थे। बुद्धिज़्म के मानने वालों का मानना है कि गौतम बुद्ध की पैदाइश लुम्बिनी में हुई थी। लुम्बिनी बुद्ध मज़हब के सबसे मुकद्दस तरीन मकामात में से एक है। मुल्क में जा बजा सदियों पुरानी सकाफत के आसार नज़र आते हैं। नेपाल में इस्लाम तकरीबन 600 साल पहले दाखिल हो चुका था। नेपाल की आर्मी बहुत ही तेज़ आर्मी मानी जाती है। कहा जाता है कि 1815 से पहले अंग्रेज़ों ने नेपाल पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन नेपाल की आर्मी ने अंग्रेज़ों की फ़ौज को शिकस्त दे दी। ये मुल्क टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा, इंडिया से 0.5 घंटा आगे है और बांग्लादेश का और इसका टाइम एक बराबर है। मुल्क में ड्राइव लेफ्ट साइड है, यानी गाड़ियाँ बाईं तरफ चलती हैं और स्टेयरिंग राइट साइड पर होता है। इस मुल्क की इंटरनेट डोमेन नेम NP है और मुल्क का डायलिंग कोड +977 है। मुल्क में लैंडलाइन और मोबाइल यूज़र की तादाद 3,21,20,500 के करीब है और मुल्क के 60,25,420 अफराद इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। होटलिंग और रेंट के मुतल्लिक चंद मालूमात। यहाँ का सबसे मकबूल और सस्ता तरीन फास्ट फूड मोमो है, जिसे डंपलिंग भी कहते हैं, और कौमी डिश दाल भात तरकारी है और यहाँ की बहुत सी फैमिली रोज़ाना इसे खाते हैं। सारा मुल्क ही बहुत सस्ता है। आपको ऐसे लगेगा ये तो हमारे शहर से भी सस्ता है और मोस्टली एशियन खाने ही मिलते हैं। हाँ, जायके का फ़र्क हो सकता है। हिलाल फूड भी मिल जाता है क्योंकि वहाँ काफ़ी मुसलमानों के भी होटल हैं, और होटल में रात गुजारने से पहले किराया तय कर लें ताकि बाद में डबल देना ना पड़े। किराया 800 रुपये से 1500 रुपये तक बेड मिल जाता है और अच्छे होटल में $20 तक कमरा मिल जाता है। नेपाल में जाने के लिए दुनिया के ज़्यादातर ममालिक से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती और कई ममालिक के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत $25 के इवज 15 दिन के लिए दी जाती है। जाने से पहले होटल की बुकिंग करवा लें। याद रहे, वहां आप टैक्सी पर भी सफ़र कर सकते हैं और बाइक भी बुक कर सकते हैं। जो बच्चा नेपाल में पैदा होता है उसे वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है और 15 साल तक रहने वालों को भी रेजिडेंसी का हक मिल जाता है। इसका पासपोर्ट दुनिया में 82वें नंबर पर शुमार होता है। इसके पासपोर्ट होल्डर दुनिया के 13 ममालिक में वीज़ा फ्री, 34 ममालिक में वीज़ा ऑन अराइवल और 151 ममालिक में जाने के लिए इनके पासपोर्ट पर वीज़ा की स्टैंप होना ज़रूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? हमें दे इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।